सो है व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। तो भाई आज हम करेंगे ना, मतलब कि जो अपना जो YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स है उनको अगर अनहाइड कर चुके, मतलब हाइड कर चुके हैं, तो उसको अनहाइड कैसे करें, तो आज मैं वही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आके आने पड़े, मतलब गूगल एप्लीकेशन पे आपको सर्च करना है यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप ये देखो नीचे आ रहा है, यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप सर्च कर लेना है। फिर यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, तो यहाँ पे जो है साइन इन यूट्यूब स्टूडियो, इस पर क्लिक कर देना है। जो मैं जैसे देख रहा हूँ मैंने क्लिक कर दिया, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए शायद 4 से 5 MB का होगा। तो यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड होने के बाद ये आपको एक वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। तो वेबसाइट पर चलते और फिर आपको यहाँ पे जो सीधा मतलब आ जाना है, ठीक है। आगे सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा एक सेटिंग, यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैं जूम करता हूँ और यहाँ पे जो दिख रहा है सेटिंग, आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मैं जूम आउट करता हूँ और आपको सिंपल से आ जाना है, जनरल के नीचे है चैनल, आपको चैनल पर आ जाना है। ये देख सकते हो, चैनल पर आने के बाद मैं चैनल पर क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हो चैनल है नीचे, तो चैनल पर क्लिक कर देना है आपको। तो आपको जाना है एडवेंचर्ड सेटिंग में, आपको जाना सीधा एडवेंचर सेटिंग में। वहाँ से जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और ये जो मतलब टिक देख रहे हो इसको हमेशा ऑन रखना चाहिए, ठीक है। आप इसको ऑन करके रखना। फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये जो ऑप्शन है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से आपका जो सब्सक्राइबर वो हाइड है, आपको इसको टिक करके रखना है, जिससे वो अनहाइड हो जाएगा, आपके चैनल पर शो करेगा। तो सिंपल से इसको टिक करके रखना है, मैं 2-3 बार दिखा रहा हूँ आपको। इसको टिक करने के बाद इधर नीचे आप आओगे ना, तो सीधा ही यहाँ पे दिखाएगा सेव, तो आपको सेव में क्लिक कर देना है और बैक आ जाना है, ठीक है। यहाँ से ये जो ऑप्शन दिख रहा है सेव, तो यहाँ से सेव कर देना है और बैक आ जाने का। और आपको यूट्यूब पे आके आपको अपना चैनल ओपन करना है और वहाँ पे आपको चेक करना है कि मतलब आपका सब्सक्राइबर दिखा रहा है क्या। तो अभी देखते हैं दिखा रहा है क्या मेरा, मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मेरा सेव नहीं दिखाया। तो देखते हैं सेव, थोड़ा लोडिंग हो रहा है, इंटरनेट स्लो, देख सकते हैं आप मेरा जो सब्सक्राइबर दिखा रहा है 114 वो मेरा सब्सक्राइबर दिखा रहा है और 28 वीडियो, पहले ये ऐसा था लेकिन अभी ये ऐसा है, तो मतलब आपका सब्सक्राइबर दिखा रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स गो, गुड बाय।